एसटीएससी एक्ट में संशोधन के विरोध में भीलवाड़ा में प्रदर्शन, कबीरपंथी संत रामदास के अनुयायियों ने किया प्रदर्शन। एसटीएससी एक्ट में संशोधन के विरोध में आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर व कबीरपंथी संत रामपाल दास के अनुयायियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द आदेश को वापस लेने की मांग की है। अनुयायी हरिशंकर दास ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के स्वर्ण समाज की प्रताड़ना से बचने के लिए 1989 में एसटीएससी एक्ट बनाया गया था, जिसमें कोई भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई होकर मुकदमा दर्ज हो जाता था, लेकिन उसमें 20 मार्च संशोधन करते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए पहले डीवाईएसपी इसमें जांच करे। ऐसे में एसटीएससी मामले में अब कमजोरी आ रही है और मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है। हम क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये भीलवाड़ा जिले से सारी संगत यहाँ इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि 1989 में एसटी के लिए एक कानून बना था, जिसमें एससी एसटी के किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द से गाली गलौज करने पर उसको जो है उसके ऊपर FIR दर्ज होती थी और गैर जमानती वारंट निकलता था। लेकिन अब जो है 20 मार्च 2018 को आदर्श कुमार जी गोयल जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी खंडपीठ ने इस फैसले में जो वापस संशोधन किया है उसमें किया कि वो FIR गाली गलौज करने पर FIR दर्ज तभी होगी जब DYSP स्तर का कोई व्यक्ति उसका अनुसंधान करेगा और फिर वही देखेगा कि FIR दर्ज होने लायक है क्या नहीं है। तो इसलिए SC ST वाले ये चाहते हैं सभी समाज के कि भाई इसका मतलब तो FIR दर्ज ही नहीं होगी और कभी भी उनके साथ जो है उनके हितों को कुठाघात होता रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि SC ST के जो कानून उसके हित में था उसको AGT जो 89 में बना था उसको ऐसा का ऐसा ही रखा जाए। इसलिए हमने ऐसा जो है आज प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से।